अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एंगल ऑफ एलिवेशंस एंड डिप्रेशन को, कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा। सो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि इफ ओ ए इज द हॉरिजेंटल रे थ्रू द आई ऑफ द ऑब्जर्वर थ्रू द आई ऑफ ऑब्जर्वर एट पॉइंट ओ एंड देर आर टू ऑब्जेक्ट्स एंड देर आर टू ऑब्जेक्ट्स बी एंड सी सच दैट बी इज अबव एंड सी इज बिलो He is below the horizontal ray OA. Then यहां से हमारे पास दो एंगल्स बन जाएंगे। देन जो पहला एंगल है for looking at B above the horizontal ray we have to raise R I and वहां पर एक एंगल बन जाएगा। एंगल ए ओ बी इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ एलिवेशन एंड सेकेंड एंगल जो बनेगा उसकी डेफिनेशन इस तरह से देखेंगे क्या होगी। फॉर लुकिंग एट सी बिलो द हॉरिजेंटल रे we have to lower RI and एक एंगल बनेगा AOC is called the angle of depression. सो इसको एक दफा फिर देख लेते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन हमारे पास क्या होगा। सो अच्छा क्या लिखा हुआ जी, इफ ओ ए इज द हॉरिजॉन्टल रे, हॉरिजॉन्टल रे आपको पता है जो इस तरह से सीधी लाइन हो, ठीक है, हम इसको क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल रे कहेंगे। थ्रू द आई ऑफ द ऑब्जर्वर एट पॉइंट ओ एंड देर आर टू ऑब्जेक्ट्स बी एंड सी सच दैट बी इज अबव एंड सी इज बिलो द हॉरिजॉन्टल रे ओ ए, देन फॉर लुकिंग एट बी अबव द हॉरिजॉन्टल रे वी हैव टू रेज our eye and AOB is called the angle of elevation.
फॉर लुकिंग एट सी बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल वी हैव टू लोअर आवर आई एंड एओसी इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो ये तो होगी डेफिनेशन। अब अगर हम इसको थोड़ी डायग्राम के थ्रू अगर मैं आपको समझा सकूं तो उस तरह से ज्यादा इजी हो जाएगा। लेट से कि हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल ले थी, जो हमने अभी बात की है, हॉरिजॉन्टल ले लेट से वो इधर से यहां तक है, ये हमारे पास आगे एक हॉरिजॉन्टल ले, और वहां हमने हॉरिजॉन्टल ले को क्या बोला था, ओ ए कहा था। ठीक है, सो ये पॉइंट उसका आ गया ओ और ये पॉइंट आ गया इसके ए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमने क्या कहा था कि ओ जो है उस पे ऑब्जर्वर की आई होगी, आंख होगी, एंड देर आर टू ऑब्जेक्ट्स बी एंड सी सच दैट बी इज अबव एंड सी इज बिलो द हॉरिजॉन्टल रे, कि हमारे पास दो चीजें होंगी, एक होगा बी और एक होगा सी। लेट से मैं कहता हूं कि यहां मेरे पास जो है वो ऑब्जेक्ट बी रखा हुआ है और यहां पर लेट से कह देते हैं कि ऑब्जेक्ट सी रखा हुआ है यहां। ठीक है, और यहां पे ऑब्जर्वर की आंख है जो उस चीज को देख रहा है। ठीक है, अच्छा, अब होगा क्या, हमने ये कहा था कि फॉर लुकिंग एट बी अबाउट द हॉरिजॉन्टल रे वी हैव टू रेज अवर आई, कि अगर इस बी को देखना है तो हमने क्या करना है, अपनी आंख को थोड़ा सा, आई को थोड़ा सा ऊपर रेज करना पड़ेगा ताकि हम इसको देख सकें। यहां पर चूंकि आंख है बिल्कुल हॉरिजॉन्टल दिख रही है, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट देख रही है, तो अगर बी को देखना है तो यहां पर हमने, जब हम इस बी को देखेंगे ना तो हमारे पास यहां एक एंगल बनेगा, वो आपको मैं अभी क्लियर कर देता हूं कि अगर हम इस ऑब्जेक्ट बी को देखेंगे तो यहां पर हमारे पास एक एंगल बन जाएगा, यहां इस तरह से एक एंगल बनेगा। ठीक है, और एंगल क्या होगा, वहां हमने नाम दिया था उसको कि अगर हम आंख अपनी ऊपर कर तो एक एंगल बनेगा, ए ओ बी बनेगा, क्या बनेगा, ए ओ बी बनेगा। तो ये ए ओ बी यहां एक एंगल बन जाएगा इस तरह से, ये जो एंगल होगा ना, ये एंगल अगर अगर जो ऑब्जेक्ट बी है अगर उसको देखना चाहे तो हमें आंख को थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, तो यहां पर एक एंगल बन जाएगा जिसको कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। ये एंगल जो होगा ये क्या बन जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, और अगर इसी तरह से हमने इस ऑब्जेक्ट सी को देखना है तो हमें अपनी आंख थोड़ी सी नीचे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो थोड़ी सी जब नीचे करेंगे इस तरह से तो यहां पर एक एंगल बनेगा, ये हमारे पास इस तरह से एक एंगल बनेगा, और यहां पर चूंकि सी ऑब्जेक्ट था तो यहां पर स्टूडेंट जो हमारे पास एंगल बनेगा ना इधर नीचे की तरफ, उस एंगल को क्या कहेंगे, वो एंगल होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, सो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन जाएगा। सो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये आपके पास क्या आ जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन जाएगा। सो ये स्टूडेंट आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर जो एंगल बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।